पूंछ की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है, वो आज यहाँ इस पूंछ की स्टडी में इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा आज इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जो 17 नवंबर को आपको मालूम ही है सुंदरबनी के अंदर मिसेज रूपाक्षी रैना जिनकी शादी 1-2 साल पहले ही हुई थी, उनकी डेथ हुई। जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा, बाकी जितने भी मीडियम हैं इसके न्यूज़ के, वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये कोई मिस्टीरियस डेथ है। इसलिए हम जितने भी ये स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के खासकर जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी ये डिमांड है कि ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक पे इसको लेना चाहिए और पुलिस इस वक्त बाखूबी इस केस को बाखूबी निभा रही है। लेकिन फिर भी हमारी डिमांड है कि जो भी कल्प्रिट है ही शुड ब्रॉट टू द बुक, और इसमें जो इन्वॉल्व है, और उस सबसे बड़ी बात है उस लेडी का छोटा सा बच्चा भी है। तो एज एन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, एज स्पोर्ट्स पर्सन, हम ये मांग करते हैं कि इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक पे ली जाए, तो ताकि जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी इन्वॉल्व लोग हैं इसमें, तो उनको सजा दी जाए। रिसेंटली एक जो है वो हादसा सुंदरबनी के अंदर पेश आया, रूपाक्षी रैना गुड़िया उसके साथ 17 नवंबर को जो है वो मिस्टीरियस कंडीशन में जो है उसकी डेड बॉडी जो है वो घर से मिली, जहाँ तक हमने देखा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। तो आज हम उसी कड़ी को लेकर, जैसे पूरी स्टेट में जो है वो उनके लिए जो है वो कैंडल मार्च जो है वो निकाले जा रहे थे, उसी कड़ी को लेकर आज पुंछ की जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी थी उसको लेकर आज हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में जो है उनके लिए आज यहाँ पे ये कैंडल मार्च रखा था। और हम इसमें गुजारिश करेंगे DDC रजौरी, SSP रजौरी और DIG पुंछ रजौरी रेंज जनाब से कि वो इस ये जो इंक्वायरी है इसमें फास्ट ट्रैक इंक्वायरी बिठाएँ, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी जो सज़ा है।